नमस्ते व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो फेस्टिवल का सीजन है, तो फिर चलिए पूजा और व्रत के लिए बनाते हैं आज पनीर और आलू की सब्जी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। पहले हम टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मिला के ग्राइंड करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखी है और डालडा का वनस्पति घी ले रखी है। अभी मैं खाली कटोरी में एक एक करके मसाला डालती जाऊंगी। पहले मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसे मैं कलर के लिए यूज करूँगी। अभी डालेंगे हल्दी पाउडर। अभी हम डालेंगे बिना प्याज और लहसुन के करी पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम रिफाइंड ऑयल के साथ कुछ वनस्पति घी डालेंगे और इसमें आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। आप अगर चाहते हैं तो गाय का देसी घी भी यूज कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। फ्लेम को हाई करके हम आलू को फ्राई कर लेंगे। अभी 10 मिनट हो चुका है, आलू को हम अभी निकाल देंगे एक प्लेट में। उसी कढ़ाई में हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई कर लेंगे। इतना परफेक्ट है। अभी हम पनीर को निकाल देंगे। अभी हम आलू और पनीर को फ्राई करके रख दिए हैं और मसाला भी तैयार है। चलिए करी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब घी छोड़ के हम बाकी निकाल देंगे। अभी हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। जीरा को चटकने देते हैं और इसमें अभी हम सूखे मसाला डालेंगे। सूखे मसाला डालते ही आप फ्लेम को पूरा लो कर दीजिएगा और इसे 2 मिनट ऐसे ही फ्राई कीजिएगा। अभी हमने जो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट रखे थे इसे भी डाल देंगे। इस मसाले को डालते ही आप फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसे लगातार ऑयल के साथ भून लीजिए। 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और टमाटर पूरी तरह से पक चुका है, मसाला भी पूरी तरह से भून चुका है। अभी हम तली हुई आलू और पनीर को मसालों में डाल देंगे। इन्हें हम मसालों के साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें थोड़ा पतला ग्रेवी रखना चाहती हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे ढक दीजिए और फ्लेम को हाई कर दीजिए। जब करी में उबाल आ जाएगा तो फिर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के पकाइए और फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अभी 10 मिनट के बाद आलू पूरी तरह से पक चुका है। अभी हमारा आलू और पनीर की सब्जी बिना प्याज और लहसुन के बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल देंगे। इसे आप पूरी या फिर पराठी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।